हेलो वेलकम दोस्तों, आज हम लोग करने जा रहे हैं सीएमए फाइनल स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 2 डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। और ये हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग का सम्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 47, यहाँ पर एक कंपनी है जो कि इंटर डिविजनल ट्रांसफर प्राइसेस को फिक्स करती है अपने प्रोडक्ट्स के लिए। और ये कौन से बेसिस पे करती है? कॉस्ट प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर। इन्फॉर्मेशन गिवन है फिक्स्ड एसेट, करेंट एसेट, टोटल्स, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ऐड करके 10 लाख आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 गिवन है। बजटेड वॉल्यूम कितना है? 4 लाख यूनिट पर ईयर। डिजायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा 28% गिवन है, डिटरमाइन है ट्रांसफर प्राइस पर डिवीजन ए। बहुत ही सिंपल और इजी सम है। तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ट्रांसफर प्राइस इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड रिटर्न। वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, फिक्स कॉस्ट हमारा टोटल कितना? 10 लाख है। 10 लाख का 28% कर देंगे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग डिवाइड बाय 4 लाख करेंगे तो हमारा पर यूनिट रिटर्न आया, पर यूनिट जो रिक्वायर्ड रिटर्न है आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा आ गया और वेरिएबल कॉस्ट भी आ गया। नाउ हमारा टोटल ट्रांसफर प्राइसिंग कितना हो जाएगा रिक्वायर्ड रिटर्न को ऐड करके? 12.70। सेशन नंबर 48 है। ट्रांसफर लिमिटेड हैज टू प्रोसेसेस, प्रिपेयरिंग एंड फिनिशिंग। नॉर्मल आउटपुट पर वीक इज 7500 यूनिट्स कंप्लीटेड एट कैपेसिटी ऑफ 75%। नेक्स्ट, ट्रांसफरी लिमिटेड हैड अ प्रोडक्शन प्रॉब्लम इन प्रिपेयरिंग एंड रिक्वायर्स 2000 यूनिट्स पर वीक ऑफ प्रिपेयर्ड मटेरियल फॉर दे फिनिशिंग प्रोडक्ट्स प्रोसेसेस। तो यहाँ पर एक ट्रांसफरर कंपनी है जो कि दो प्रोसेस करता है, प्रिपेयरिंग एंड फिनिशिंग। और नॉर्मल आउटपुट कितना पर वीक है? 7500 यूनिट्स, वो भी कैपेसिटी कितने पर? 75%। और एक ट्रांसफरी लिमिटेड कंपनी है जिसका प्रोडक्शन प्रॉब्लम के कारण उसको चाहिए होता है 2000 यूनिट पर वीक फॉर ऑफ प्रिपेयर्ड मटेरियल फॉर देयर फिनिशिंग प्रोसेस। एग्जिस्टिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ वन प्रिपेयर्ड यूनिट गिवन है, मटेरियल 200% वेरिएबल, लेबर 2 वेरिएबल 15%, 50% ओवरहेड, 25% वेरिएबल, 4 रुपीज़। टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा ऐड करके? 4। सेल प्राइस ऑफ कंप्लीटेड यूनिट ऑफ ट्रांसफर लिमिटेड इज 16 और प्रॉफिट कितना है? 4। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 16 लेस 4 12। कंस्ट्रक्ट द इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ ट्रांसफरर लिमिटेड फॉर 6 मंथ, 25 वीक्स के लिए प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ऑफ सप्लाइंग यूनिट्स टू ट्रांसफर लिमिटेड विद द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव ऑफ ट्रांसफर प्राइसेस। तो ऑल्टरनेटिव क्या क्या है? पहला है मार्जिनल कॉस्ट। हमारा मार्जिनल डायरेक्टली वेरिएबल कॉस्ट जो भी है वो हमारा क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट होता है। जो भी हमारा वेरिएबल कॉस्ट है वो मार्जिनल कॉस्ट हो गया। तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट हमारा क्या क्या है? 2 रुपया, यहाँ पर 2 का 50% 1, और यहाँ पे 4 का 25%। टोटल को ऐड करके हमारा कितना आएगा मार्जिनल कॉस्ट? 4 रुपये आ जाएगा। पहला का आंसर आ गया। अब मार्जिनल कॉस्ट प्लस 25%, तो मार्जिनल कॉस्ट हमारा 4 रुपये है और 4 का 25% कितना हो जाएगा? 1, मतलब टोटल ₹5 पर यूनिट। तो और यहाँ पर हमारा 5 होगा आंसर। और यहाँ 50 हज़ार कैसे आ रहा है ये बताते हैं। या जो ट्रांसफर यूनिट जो है हमारा 25 वीक्स के लिए कर रहे हैं और कितना करना है हम लोग को? 2000 पर वीक करना था। तो 25 × 2000 हमारा 50 हज़ार यूनिट आ जाएगा। तो अब यहाँ पर 25% और ऐड करने के लिए हमारा कितना से प्रॉफिट बढ़ जाएगा? 50 हज़ार से बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा 4 का 25% कितना है? 1, इसीलिए यहाँ पर 50 हज़ार आया है। नेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्ट प्लस 15% रिटर्न ऑन कैपिटल। कैपिटल कितना एम्प्लॉयड है? 20 लाख हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? मार्जिनल कॉस्ट हमारा 4 है, तो वो 4 हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर। और 20 लाख का
कितने से इंक्रीज कर जाएगी, 50,000 इनटू प्रॉफिट अमाउंट जो हमारा आ रहा था। अगला क्वेश्चन में बोलता है एट एन अग्रीड मार्केट प्राइस ऑफ 8.50, ये हमारा ट्रांसफर प्राइस है, इससे हम लोग लेस कर देंगे कॉस्ट जो हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट था, तो प्रॉफिट अमाउंट आ जाएगा। तो प्रॉफिट कितने से इंक्रीज करेगा हमारा, 8.5 लेस 4 इक्वल्स टू 4.5 इनटू यूनिट्स 50,000, ये हमारा प्रॉफिट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 49। अ कंपनी विद टू मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन प्रॉफिट सेंटर बेसिस, डिवीजन ए इज ऑन द ओनली सोर्स फॉर द सप्लाई ऑफ अ कंपोनेंट दैट इज यूज्ड इन डिवीजन बी। तो ए यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाता है जो कि ओनली सोर्स फॉर द सप्लाई ऑफ दिस कंपोनेंट है, और ये जो कंपोनेंट है ये डिवीजन बी यूज करता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट के एल एम, ये के वाला जो भी प्रोडक्ट है इसके लिए वो यूज करता है। वन सच पार्ट इज यूज ईच यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट के, एज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज नॉट स्टेडी डिवीजन बी कैन ऑप्टेन ऑर्डर्स फॉर इंक्रीज क्वान्टिटीज ओनली बाई स्पेंडिंग मोर ऑन सेल्स प्रमोशन एंड रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस। मैनेजर हैज अकॉर्डिंगली प्रिपेयर द फॉलोइंग फोरकास्ट सेल्स क्वान्टिटी एंड सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के इन डिवीजन बी इज दिस मच फॉर फर्स्ट 1,000 यूनिट एंड ₹750 पर 1,000 यूनिट इन एक्सेस ऑफ 1,000 यूनिट। डिवीजन ए में इतना कॉस्ट इनकर होता है पर डे फॉर आउटपुट 1,000, और अगर इससे इंक्रीज करता है तो 900 से कॉस्ट भी इंक्रीज करेगा फॉर एडिशनल 1,000 कंपोनेंट्स। अब मैनेजर है वो स्टेट कर रहा है ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन विल बी ऑप्टिमाइज्ड इफ द ट्रांसफर प्राइस ऑफ द कंपोनेंट इज सेट एट ₹1.2 पर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रिपेयर शेड्यूल शोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट फॉर डिवीजन ए एंड डिवीजन बी। ए का डिवीजन ए का निकाल लेंगे यहाँ पे प्रॉफिट स्टेटमेंट, बहुत ही सिंपल और इजी है। सेल्स पर यूनिट कितना है, हम लोग ये वाला सेल्स पर यूनिट यहाँ पर लेंगे 1,000 2,000 एंड फर्दर, और हमारा कितना बोल रहा है पर यूनिट कॉस्ट 1.2, तो सेल वैल्यू कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। हमारा कॉस्ट कितना होगा 1,200, और इसमें हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं एक मिनट, हमारा पहला तो कॉस्ट 1,500 यहाँ पर गिवेन है। ठीक है, 1,500 तो कॉस्ट हमारा प्रॉफिट लॉस कितना आएगा, कॉस्ट से लेस करेंगे सेल वैल्यू को, तो हमारा पहला पहला 1,000 यूनिट के लिए लॉस आ रहा है 300। अगले नेक्स्ट 2,000 के लिए कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, सेल वैल्यू 2,400 आ जाएगा। कॉस्ट हमारा कितना बढ़ जाएगा, 1,500 में 900 ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि एक्स्ट्रा कितना 900 कॉस्ट इनकर होगा फॉर एडिशनल 1,000, तो 900 ऐड करके 2,400 हो जाएगा। लेस करके यहाँ पे कुछ भी प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं होगा। फिर 3,000 यूनिट्स के लिए कितना होगा, इनटू 1.2 करेंगे हमारा सेल वैल्यू हो जाएगा, कॉस्ट हमारा 900 और ऐड कर देंगे और लेस कर देंगे, हमारा प्रॉफिट 300 आ जाएगा। इस तरह से बाकी का भी हम लोग निकाल लेंगे। सेम तरीके से प्रॉफिट ऑफ डिवीजन बी भी निकाल लेंगे, यूनिट्स हमारा यहाँ पर लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो कि पहले के लिए 5.25 है, सेकेंड के लिए 3.98, और ऐसे ही सबका हम लोग निकाल लेंगे। ट्रांसफर प्राइस हमारा जो ए डिवीजन से आ रहा था वही बी का ट्रांसफर प्राइस हो जाएगा यहाँ पर, और अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो हमारा गिवन है वो भी हम लोग कॉपी करेंगे। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, इसमें हम लोग 750 ऐड करते जाएंगे। टोटल कॉस्ट सॉरी, हमारा यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट है या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है इसमें हम लोग 750 ऐड कर करके हम लोग बाकी वैल्यू भी निकालेंगे, और टोटल कॉस्ट कितना होगा ट्रांसफर प्राइस प्लस अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा। इसको हम लोग सेल वैल्यू से लेस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस वैल्यू आ जाएगा। अब प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी एट द आउटपुट लेवल वेयर डिवीजन एज नेट प्रॉफिट इज मैक्सिमम, जब एक नेट प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ पर हो रहा था, 6,000 यूनिट पे मैक्सिमम हो रहा था 1,200 का, तो 6,000 यूनिट पे बी का कितना हो रहा है लॉस हो रहा है इतने का, तो टोटल प्रॉफिट और लॉस कितना हो जाएगा इतना। अब अगर डिवीजन बी का नेट प्रॉफिट मैक्सिमम लेवल पे देखे तो वो कितना हो जाएगा, 2,000 यूनिट पे हो जाएगा, 2,000 यूनिट पे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है 1,060, तो यही 2,000 यूनिट में ए का कितना हो रहा है, ए का निल प्रॉफिट हो रहा है, टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा दिस वैल्यू। अब व्हेन द कंपनी इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड ऑन प्रॉफिट सेंटर बेसिस, तो इस गिवन यूनिट पे दोनों डिवीजन का अपना अपना जो प्रॉफिट अमाउंट या लॉस अमाउंट आ रहा है वो हम लोग लिख कर टोटल यहाँ पर ऐड कर देंगे। बेस्ट आउटपुट लेवल यहाँ पर निकल के आ रहा है 3,000 यूनिट्स का, जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम हमारा है। अगला इलस्ट्रेशन नंबर 50 देखेंगे। एक डिवीजन है जो कि तीन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है एक्स वाई एंड जेड, और ये तीनों प्रोडक्ट का एक एक्सटर्नल मार्केट है। एक्सटर्नल मार्केट प्राइस तीनों का गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट इन प्रोडक्शन इन डिवीजन ए, लेबर आवर्स रिक्वायर्ड। प्रोडक्ट वाई जो है यहाँ पर वो क्या है, वो हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं डिवीजन बी को, लेकिन मैक्सिमम क्वांटिटी जो हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं दैट माइट बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर इज 300 यूनिट्स। तो इतना यूनिट्स हम लोग को रिक्वायर्ड है टू ट्रांसफर टू डिवीजन बी। यहाँ पर मैक्सिमम एक्सटर्नल सेल्स यूनिट कितना है, एक्स का 800, वाई का 500 एंड थ्री का जेड का 300।
अब स्टेट ऑफ रिसीविंग ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट वाई फ्रॉम डिवीजन ए बी क्या कर सकता है, वो बाई कर सकता है ओपन मार्केट से एट ₹45 पर यूनिट। व्हाट शुड बी द ट्रांसफर प्राइस फॉर ईच यूनिट ऑफ 300 यूनिट्स ऑफ वाई इफ द टोटल लेबल आवर्स अवेलेबल इन डिवीजन ए इज दिस मच एंड दिस मच। तो ट्रांसफर प्राइस क्या होना चाहिए फॉर ईच 300 यूनिट्स ऑफ वाई हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे हमारा रिसोर्स जो है, एक रिसोर्स जो कि लेबर आवर्स है, ये हमारा लिमिटेड है। यहाँ पे हम लोग पहले ऑप्टिमाइज कर लेंगे, मार्केट प्राइस तीनों का गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देंगे, कंट्रीब्यूशन निकल आएगा, लेबर आर रिक्वायर्ड कितना है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए गिवन है, और उसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर्स का। इसके बेसिस पे हम लोग प्रायोरिटी सेट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा कंपटीशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस निकालेंगे जब कैपेसिटी हमारा 3800 आवर्स है। जेड के लिए कितना आवर्स, क्योंकि प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा जेड का है, तो सबसे पहले उसको हम लोग आवर्स एलोकेट करेंगे। 300 आवर्स, 300 यूनिट्स इंटू टू पर यूनिट आवर्स हमारा चाहिए होता है, तो टोटल आवर्स कितना लग जाएगा 600। नेक्स्ट वाई के लिए 500 इंटू फोर, टोटल हमारा आवर्स हो गया 2600। एक्स के लिए हम लोग को चाहिए 800 इंटू थ्री, 800 यूनिट्स इंटू थ्री आवर्स पर यूनिट, तो हमारा 2400 आ रहा है, तो टोटल 5000 आ रहा है, लेकिन हमारे पास कैपेसिटी 3800 ही है। नाउ द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी इज नॉट सफिशियंट टू प्रोड्यूस द यूनिट टू मीट द एक्सटर्नल सेल्स, तो हमारा सफिशियंट नहीं है। इन ऑर्डर टू ट्रांसफर 300 यूनिट्स ऑफ वाई 1200 आवर्स आर रिक्वायर्ड, तो वाई को ट्रांसफर करने के लिए 1200 आवर्स तो रिक्वायर्ड ही होगा। कैसे, वाई का हमारा कितना है, 300 इंटू फोर हो जाएगा, ये हमारा वाई का यहाँ पे फोर का लेबर आवर्स गिवन है, और 300 यूनिट हम लोग जो बाहर सेल करना, बाहर हम लोग को जो सप्लाई करना है, ट्रांसफर करना है, वो 300 यूनिट है, तो 300 टू इंटू फोर 12 आवर्स आ जाएगा, 1200 आवर्स आएगा हमारे पास। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गिव अप द प्रोडक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स का प्रायोरिटी सबसे लो है, हम लोग एक्स का प्रोडक्शन को गिव अप करेंगे टू मीट दिस डिमांड। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ वाई प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट बाय गिविंग अप ऑफ सेल्स, तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट वाई का कितना आ जाएगा, और उसमें हम लोग ऐड कर देंगे कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, कितना कंट्रीब्यूशन हमारा लॉस्ट होगा अगर हम लोग एक्स को गिव अप करेंगे तो 5, तो 1200 मल्टीप्लाइड 5 हमारा 6000 आ जाएगा टोटल। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा, दिस डिवाइड बाय यूनिट 300, हमारा 20 आ जाएगा, रिक्वायर्ड ट्रांसफर प्राइस हमारा ऐड करके होगा 44। ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट था वाई का, और ये हमारा कंट्रीब्यूशन लॉस जो आ रहा था उसका वैल्यू, रिक्वायर्ड ट्रांसफर प्राइस हमारा आ गया। नेक्स्ट, अगर कैपेसिटी 5600 आवर्स हो जाएगा तो हम लोग को चाहिए 5000 आवर्स, तो हमारा एक्सटर्नल सेल्स तो मीट कर रहा है, लेकिन वो ट्रांसफर करने के लिए 1200 आवर्स चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं होगा, तो इसके लिए अगेन हम लोग एक्स को गिव अप करेंगे। कितना गिव अप करना पड़ेगा, 600 आवर्स तक का गिव अप करना पड़ेगा। ठीक है, कि कैसे 600 आवर्स आया, इसका कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है, हमारे पास अभी 5600 आवर्स है और हमारा इंटरनल 5000 चाहिए, तो हमारा 6600 बच गया, और 300 यूनिट्स के लिए कितना का हम लोग को चाहिए था, 1200 आवर्स, जिसमें से 600 है, 12 लेस 6, तो हमारा कितना ये 600 का बच जाएगा, तो वो 600 हम लोग यहाँ से लेंगे, एक्स का गिव अप करके लेंगे, तो कितना हो जाएगा कंट्रीब्यूशन से, एक्स का कितना था 5, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना लॉस्ट हो रहा है, इतना लॉस्ट हो रहा है। वेरिएबल कॉस्ट कितना है हमारा वाई का, 24 ऐड करके हमारा रिक्वायर्ड ट्रांसफर प्राइस आ जाएगा।